वो पदक लेके आती, ठीक है, देश का मान बढ़ता, और इतनी राजनीति, इतने बड़े षड्यंत्र उस बिचारी बच्ची के साथ किए जा रहे हैं जो मुझे दिखता है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। पहली बार नहीं हुआ विनेश के साथ, इसके पिछली बार जब ओलंपिक में उनको चोट लगी थी वो घर पे अपने गांव बलाड़ी में 20 रुपए लगातार पड़ी रही, लेकिन ये सरकार ने सुध नहीं ली। जो गोल्ड मेडल ला रही थी देश के लिए, देश की कितनी शान बनने वाली थी। हम देश प्रेम की बहस चला रहे हैं, इससे बड़ा देश प्रेम कुछ नहीं हो सकता था कि वो गोल्ड मेडल लाती और दुनिया में इस भारतवर्ष का नाम होता। ऐसी चीजें क्यों खाने को दी, उसका वजन बढ़ा, वो तो वहां तो पूरा मैं बना होता है किस चीज आदमी को, किस पहलवान को क्या डाइट देनी है। पहले भी लड़ाई लड़ी इसने जी। और अब फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज DS4 न्यूज का कारवा जो है हरियाणा पहुंच चुका है और आने वाले महज कुछ ही समय के बाद जो है हरियाणा में चुनाव होना है। एक तरफ सत्तारूढ़ी पार्टी जो है ये देखा जाए, ये माना जाए तो लगभग चुनाव का शंखनाद जो है कर चुका है। हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि किसानों को जो है साधने के लिए लगभग सभी फसलों पर जो है MSP देने का वादा कर दिया है, उधर महिलाओं को साधने के लिए जो है अलग अलग तरीके के जो है स्कीम लाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है अग्निवीर को बताया जा रहा है, बेरोजगारी का मसला सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है और साथ ही साथ किसानों के मसलों को देखा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है तमाम बड़े बड़े चेहरे जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट जी जुड़ चुके हैं। सर कैसे देख पा रहे हैं आप कि आज जो आज प्रोग्राम था आप लोगों का, किस मसले से निकालना पड़ा सर आज का प्रोग्राम? हम लोग किसानों का धन्यवाद बोलने के लिए आए थे जी। हम लोग एक साथ होकर के किसानों का धन्यवाद बोलने आए थे जो बॉर्डर पे इतने लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। उनके परिवार का धन्यवाद बोलने आए थे कि उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार ने जो कष्ट उठाया, तो ये देश और कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस उनकी ऋणी है। उन्होंने जो सहयोग दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि देश के चुनाव में जो नतीजे आए, ये मात्र एक ही वजह से आया था कि किसान डट करके बैठा रहा बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जो उसका सहयोग मिला उसका नतीजा वोटिंग में तब्दील हुआ। तो हम लोग उनका धन्यवाद बोलने के लिए आए थे जी। आने वाले समय में सर चुनाव भी होना है और जिस तरीके से सत्तारूढ़ी पार्टी किसानों को लेकर के बता रहे कि सभी फसलों पर हम जो है MSP देने को तैयार हैं और दे भी देंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? अरे झूठों को शर्म आनी चाहिए यार, उनको कब बोलना चाहिए था और कब बोल रहे हैं। अब चुनाव आ गया है तो उन झूठों ने ये बाजा बजाना शुरू कर दिया। ये तो अपने आप में एक इंडस्ट्री है पूरी, और जहाँ पर झूठ बोलना सिखाया जाता है और झूठ बोलने की रेगुलर प्रैक्टिस चलती है, तो इनसे कितना भी आप झूठ बुलवा लीजिए, MSP इनको अगर देना था तो जब देना चाहिए था तब दे देते। आज क्या पड़ा हुआ है, चुनाव सर पे आ गया है तो आप MSP सभी फसलों पे दे देंगे? ये तो उन फसलों पे भी दे देंगे जो उगती नहीं है। MSP सेंटर देता है जी। लेकिन सर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जहाँ जहाँ सरकार है सिर्फ दो ही फसलों पर देती है, वो भी केंद्र सरकार से जो है उनको झूठ मिल जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बातें देखिए तोड़ मरोड़ के बताने की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व जो भी कुछ कहता है उसको पूरा करने का उसने इतिहास बनाया है, और इतिहास आपके सामने है। ये देखिए झूठ बोलें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत किसानों की मदद जितनी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी बातों को उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसानों के लिए इतना अच्छा सोचता होगा। हमारे माननीय नेता सुखपाल सिंह खेरा जो किसान कांग्रेस के चेयरमैन हैं, वो भी पूरे देश में इनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। अच्छा सर, हम लोग अभी हरियाणा में मौजूद हैं और विनेश फोगाट जी का मसला बड़ा चल रहा है इस वक्त, हरियाणा के लोग क्या समझ पा रहे हैं इस मसले? बहुत दुख की बात है यार, अपनी बच्ची है वो पदक लेके आती, ठीक है, देश का मान बढ़ता, और इतनी राजनीति, इतने बड़े षड्यंत्र उस बिचारी बच्ची के साथ किए जा रहे हैं जो मुझे दिखता है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि उसके साथ षड्यंत्र के तहत उसको परेशान किया गया है। आज ये कर तो दिया लोगों ने, लेकिन इससे भारत देश का नाम खराब हुआ है। भारत देश की जो नई फसल है, जो नए बच्चे हैं, उनको डीमोरलाइज करने का जो काम किया गया है, उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, शर्मनाक है और शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे सर और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार के चुनाव में जो लगता है कि बहुत अच्छा एक मुद्दा बन सके? आज देखिए जो हमारा मुद्दा था वो धन्यवाद बोलने का था जी। अब आगे जब हम लोग कुछ करेंगे तो आप लोगों को जरूर न्योता देंगे,
और आशा करता हूं कि इस बार आप मीडिया के भाई लोग उन सारी बातों को उठाएंगे जिसका नाम है सच। तो देखिए किसानों को लेकर के जो है लगातार जो है यहाँ पे विरोध होते रहे हैं, अलग अलग संघर्षों की जो है लड़ाई चलती रही है। सर कैसे देख पा रहे हैं इस बार का जो मसला होने वाला है चुनाव में, क्या कुछ होने वाला है? मैं पूर्व राजमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश में रहा हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ किसान कांग्रेस का। आपने अभी विनेश फोगाट की कुश्ती का जिक्र किया, उससे ज्यादा अपमानजनक व्यवहार उस पीढ़ी के साथ और पूरे देश के साथ कुछ नहीं हो सकता है। जो गोल्ड मेडल ला रही थी देश के लिए, देश की कितनी शान बनने वाली थी, हम देश प्रेम की बहस चला रहे हैं, इससे बड़ा देश प्रेम कुछ नहीं हो सकता था कि वो गोल्ड मेडल लाती और दुनिया में इस भारतवर्ष का नाम होता। किस साजिश के तहत तीन तीन कुश्तियां जीतने के बावजूद उसको हराया गया है, इससे पूरी नौजवान पीढ़ी के मन में एक आघात पहुंचा है और एक यकीन जो सत्ताओं के लिए होता है देश में वो ध्वस्त हो गया है। नेताओं पर, अब सत्ताओं के नेताओं पर कोई यकीन नहीं करेगा, वो कुछ भी बोलते रहे, उस यकीन को चोट पहुंच गई है। लिहाजा प्रतिफल ये आएगा कि ये पूरा देश इस अपमान के विरुद्ध इनकी जबान पर यकीन ना करते हुए एक तब्दीली की बहस चलाएगा। लेकिन सर इसको मतलब क्यों लोग जो है इसको राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं? माफ करना एक मिनट, मुझे एक बात का बहुत अफसोस होता है, मैं ये बहस कई दिन से सुन रहा हूं टीवी पे, इसमें राजनीति कहां से आ गई? वो किसान घरों की बेटी है, हम सब किसान हैं, हमारी बेटी को जो एक देश की शान बढ़ाने की मुहिम पे थी, उसको यदि उस मौके से वंचित किया गया है तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? और यदि राजनीति नक्शा ये कहता है कि नेताओं को इन सही सवालों पर नहीं बोलना चाहिए, तो फिर ये समझा दें किस सवाल पर बोलना चाहिए। हर सवाल को राजनीति राजनीति राजनीति, राजनीति ही खराब कर रही है देश को और राजनीति ही करेक्ट कर सकती है इस देश को, क्योंकि चाबी उसी के हाथ में होती है। यदि हम ये बहस चलाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, किसानों के सवालों पर आवाज उठाएंगे, नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा उस पर बहस चलाएंगे, तो ये राजनीति कहां से आ गई? और राजनीति यदि है तो राजनीति होनी ही चाहिए। चलिए क्या सोच रहे हैं आप फाइनली विनेश फोगाट को लेकर के? विनेश फोगाट को लेकर के हम चाहते हैं सीबीआई इसकी जांच करे और पूरी जांच में जो इसमें साजिश में शामिल हैं उन सबके खिलाफ इस देश में कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, आप कैसे देख रहे हैं? ये किसान की बेटी, इसके साथ पहले भी जाती हुई थी, सिस्टम के साथ पहले भी लड़ाई लड़ी इसने जी। और अब फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसकी जाँच होनी चाहिए, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। और किसान और मजदूर की बेटी है ना, ये बड़े कौन कोई षड्यंत्र लग रहा है, कुछ गहरा है इसमें, बू आ रही है कुछ, ऐसा लग रहा है, तो जांच होनी चाहिए इसकी सीबीआई। आपने जब ये सुना कि विनेश फोगाट को जो है मात्र 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, बाहर निकाल दिया गया, तब आप क्या सोच रहे थे? अरे जब सेमीफाइनल जीता है उसने, वो 4 बार की 5 बार की ओलंपियन है वो लड़की, जिसको हराया उसका सिल्वर मेडल तो बनता होगा, आगे मत खिलाते, वजन बढ़ गया, उसका जो हक था उसका क्यों मारा जा रहा है? वो हक मारा गया है। इसमें बिल्कुल किसान मजदूर में रोष जरूर पैदा होगा इस बात का, इसमें को पिछड़े अति पिछड़े में जरूर मैसेज जाएगा, क्योंकि किसान मजदूर की बेटियों को, अति पिछड़े की बेटियों को ये आगे देख के ये खुश नहीं लगते, मेरे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, इनमें बू आती है, पैसे वाले कारपोरेट के लोग हैं ये, कारपोरेट से लड़ाई है ऐसा महसूस हो रहा है। आता हूँ थोड़ा, एक सेकंड जी सर, आप बताइए ये विनेश फोगाट जी को लेकर के आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, आप क्या माहौल है अभी फिलहाल? देखिए ये पहली बार नहीं हुआ विनेश के साथ, इसके पिछली बार जब ओलंपिक में उनको चोट लगी थी वो घर पे अपने गांव बलाली में
20 रुपए लगातार पड़ी रही, लेकिन इस सरकार ने सुध नहीं ली। जब मीडिया ने और लोगों ने जब आवाज़ उठाई तब उसको संभाला गया, और उसके बाद जब दिल्ली में सड़कों में जिस तरीके से घसीटा गया, आप देख सकते हैं कि आपने खुद भी देखा कि किस तरीके का व्यवहार पहलवान बेटियों के साथ हुआ, और अब ये तीसरी बार उसके साथ षड्यंत्र हुआ है, और यही वजह है कि उसका दिल टूटा और उसने संन्यास लेने की घोषणा की, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संन्यास लेने का उन्होंने जो है ऐलान कर दिया है, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कोई वजह रही होगी या फिर क्या सोच रहे? देखिए, यानी इंसान कितनी बार इससे निपटेगा, बार बार उसके साथ ये षड्यंत्र रचे गए हैं। लोगों ने हालांकि आवाज़ भी उठाई है, लेकिन जो केंद्र सरकार वो इतने घमंड में है कि उनके जो ब्रिजभूषण जो पिछले जो उनके कुश्ती एसोसिएशन के जो प्रधान रहे हैं, उनका यह था कि दबदबा है और रहेगा। यानी किस प्रकार उसके मनोबल को तोड़ा गया है, कितनी वो लड़ती, हालांकि लोग उसके साथ खड़े हैं और लोग निश्चित तौर पे इसका बदला आने वाले जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव में इसका प्रतिफल देख भी सकते हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा किस प्रकार इस सरकार के खिलाफ निकलेगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, 6 तारीख को वजन हुआ था जी। तो उसका 50 किलो से 100 ग्राम वजन कम था। 6 तारीख को 3 कुश्ती लड़ी है, तो 6 तारीख को तो उसका वजन कम था, तो सेकंड तो अपने आप ऑलरेडी होगी। मान लो फाइनल में हार जाती तभी सिल्वर मेडल होता, उसको उससे वंचित कर दिया। इसमें तो षड्यंत्र की बू आ रही है। उसका बदला लेने के गया आईओ, बड़े बड़े डॉक्टर थे, उसको क्यों खाने को दिया गया? ऐसी चीजें क्यों खाने को दी? उसका वजन बढ़ाया, वो तो वहाँ तो पूरा मैं बढ़ा होता है। किस चीज आदमी को, किस पहलवान को क्या डाइट देनी है? बड़े बड़े डॉक्टर गए हुए, आईओ के अध्यक्ष गई, वो किस लिए गई? वहाँ प्रिकिन बनाने गए थे पूरी टीम, और वो इसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। सुबह ही वजन कराकर डिसमिस कर दिया, कंप्लीट वो भी नहीं डाली, शिकायत भी, जबकि खुद उसने शिकायत करी है, उसने शिकायत भी डाली। इसमें आने वाले समय में महिला जाति, हरियाणा का समाज पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। चलिए, तो देखिए, विनेश फोगाट को लेकर के लगातार हम लोगों से राय ले रहे हैं और यही जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर क्या माहौल है विनेश फोगाट को लेकर के। हालांकि उन्होंने जो है संन्यास लेने का जो है ऐलान कर दिया है, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पूरे देश की आंखें जो है नम है इस वक्त, क्योंकि जहाँ देश में गोल्ड आना था, इस वक्त अब हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। विनेश फोगाट जो है टूटती हुई जो है ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि वो हार मान चुकी हैं। अब आगे जो है इस पर किस तरीके से जो है क्या कार्रवाई होगी, सरकार क्या इस पर एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हरियाणा के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते हैं डीएसओ न्यूज़। धन्यवाद।